Shlo. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. Okay. तो as usual, I don't know, हमारे Saturdays को है ना किसी की नजर लग गई है. I'm very sure क्योंकि हर Saturday mostly आप लोग को पता होगा कि हम उसी दिन पूरे videos record करने की try करते हैं, specially 2.0 के, क्योंकि वो lengthy होता है and we have just one day जहाँ पे हम cover कर सकते हैं. पूरा तो हो जाता है, हम पूरे हफ्ते का ट्राई करते हैं. ठीक है, हम करते नहीं है. आई डोंट नो, आउट ऑफ नो वेयर जल्दी स्टार्ट करें, लेट स्टार्ट करें, कुछ भी हो जाए, व्हाट द फैम की वीडियोस को तो नजर लग ही गई है क्योंकि वो वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते. सो दिस टाइम रिचा एंड वी विल लाइक यू नो कि एक काम करते, थोड़ा जल्दी अपन बैठते सो दैट डिसेंट टाइम पे अपना पूरा सब खत्म हो जाए, हम कुछ ऐसे यू नो रह ना जाए, स्पेशली पूरे वीक का. हमने व्हाट द फैम 2.0 के पूरे वीडियोस रिकॉर्ड किए, हमने एक्स्ट्रा भी कर लिया एक आधा, बिकॉज यू नो क्यूरोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है, एंड यू नो एक कर लेते, अपने पास टाइम है. जैसे ही 2.0 खत्म हुआ, घंटी बज गई एंड वी वर लाइक क्या हो गया. तो मम्मी ने आके बोला कि तुम लोग को उठना पड़ेगा, गेस्ट आ गए घर में. एंड वी वर लाइक, मतलब हर वीक यू नो आई थिंक पिछले 2 महीने से तो ये हो ही रहा है, हर सैटरडे को मैक्सिमम 2.0 के तो हो जाता है लेकिन व्हाट द फैम के वीडियोस रह जाते हैं, हमेशा रहते. एंड इस बार हमें लगा था कि चल हम बहुत टाइम पे, बहुत ज्यादा टाइम पे हमारा हो ही जाएगा, 2.0 भी हो जाएगा, व्हाट द फैम भी हो जाएगा, हमारे पास टाइम बच भी जाएगा कि हम जाके कुछ चिल विल करें, एंजॉय करें. लेकिन नसीब में नहीं हो, इसलिए आप लोगों को कल का वीडियो नहीं मिला बिकॉज बहुत बिजी डे था एंड आज भी काइंड ऑफ थोड़ा बिजी है, लेकिन 2 दिन हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी आई थिंक इट्स 2 और अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, या लाइक यू नो जैसे ही ट्राई करते फटाफट हम अपलोड कर पाए. तो आज क्या देख रहे हैं? हाँ, तो आज हम देख रहे हैं सिस्टरोलॉजी और काफी एक्साइटिंग है क्योंकि हमने उनकी, और इस बार तो हमने ना पूरा वीडियोस खोल के रखा था, नहीं तो हमेशा ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है हम मेल्स चेक कर रहे हैं, हम कमेंट्स चेक कर रहे हैं, हम सब चेक करके निकाल रहे हैं. हमने पूरा सेटअप कर रखा था, डाउनलोड कर रखे थे सब वीडियोस एंड फिर नहीं था यार नसीब में. आई नो, एंड ये फिर आगे पीछे हो जाता है, दैट इज द रीजन आप लोगों को काफी बार वीडियो 7 बजे मिल रहा है, कभी 3 बजे मिल रहा है, कभी लेट, आगे पीछे, क्योंकि पूरा आगे पीछे हिल चुका है. तो आज हम चालू करते हैं. ठीक है, तो बहुत एक्साइटिंग चीज है, इट्स इकरा की बात पक्की, शादीवादी. हाँ, एंड हमने जब ये निकाला वी गॉट एक्साइटेड, लाइक काफी सारे कमेंट्स आए रिलेटेड एंड पीपल आर लाइक यू नो यू शुड चेक इट आउट. तो हमने एक आधा वीडियो किया है एस्ट्रोलॉजी का, हमने ज्यादा नहीं किया, तो वे इंटरेस्टेड कि क्या होगा, मतलब यू नो इट्स गोइंग टू बी फन आई थिंक, क्योंकि एक जो नेचुरल बॉन्ड है एस्ट्रोलॉजी में, स्पेशली हमने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी यू नो ऑन द गो टाइप्स, कि हाँ चलो टाइम पास तो टाइम पास, हंस रहे तो हंस रहे, जैसा भी है इट्स ऑल वेरी रियल. तो चालू कर दो. ठीक है, आई थिंक स्टार्ट. ओप्स, मैंने म्यूट किया था. वॉल्यूम साथ है यार, मैं थके यहाँ बैठी हूँ. आप जब चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? ये कमरा तुम्हारा होगा. ऐसा लग रहा है फातिमा को देखने आ रहे हैं. खुद अच्छा मम्मा कितनी चलाओ, खुद ब्लैक पहन रही हैं. ठीक है, ओके. तो हमारे सारे यू नो गेस्ट वगैरह आ चुके हैं, चुपके दुल्हन देख रही है, बारात आ गई, और मेरा बंदा, मेरी बहनों ने ना मुझे यहाँ सीढ़ियों में बैठा दिया यार, मुझे समझ नहीं आ रही. Astrology, this is me, Krakawa. Welcome to another vlog. Welcome to another day. सर में भी दर्द हो रहा है और अजीब सी टेंशन भी हो रही है. आप सोच रहे होंगे कि टेंशन किस चीज की है, आपको आगे जाके ऐसा ऐसा पता चलेगा. फिलहाल तो मेरे सामने मेरा नाश्ता आ चुका है, देसी घी का पराठा खाती हूँ, साथ में दाल है और साथ में है जी चाय. मेरे सामने बचा पराठा भी आ गया क्योंकि फातिमा फैसल का है इस वक्त नाश्ता. देखे रेड़े पे खड़ी हुई है टिड्डा बन के, टिड्डा बोना लड़का बन के जो ये बनती है अक्सर, और साथ घूम रही है. अब देखना है इसकी वीडियो बनती कैसे है आज. आज इसने ये, इसको कोई होश नहीं है काम करने में, तो ये लड़की सफाई हो गई है सारे. मैंने की है, मैं तो लोगों को दिखा रही हूँ कि तुम कर क्या रही हो. तो गाइस ये हमारे पास स्टैंड है, अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप कुंडी के ऊपर फोन रख के अपनी वीडियोस बना सकते हैं. ठीक है, ये एक बेस्ट जुगाड़ है. मैं अपनी अम्मा के पास जाती हूँ,
क्योंकि मेरी माँ मुझे कह रही है तैयार हो जाए तैयार हो जाए तैयार हो जाए तैयार हो जाए तैयार हो जाए, मैं क्या तैयार हूँ, मैं तैयार कर रही हूँ। और सारे घर वालों को जो है ना इस वक्त यहाँ पे बैठ के भी नाश्ता हो रहा है हमारा। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दे, वैसे थंबनेल देख के आपको पता चल गया। क्यों नहीं करेंगे आप रेड़ा जलाए? मम्मा ने सुबह सुबह भाई मेरे उठने से पहले सारे घर की सफाई हो चुकी है, आज ही शादी कर देनी है बहुत जल्दी आपको मुझे भगाने की, इतनी जल्दी नहीं जान छोड़ूंगी मैं, बता रही हूँ आपको पहले। पीछे देखिए देखो सारी चाय टेबल बिगड़ा रही है फातिमा, ये बढ़ाओ तो ना, ये औरत मेरे रंग में भांग डाल रही है चाय फेंक के। तुम चलो अब यहाँ पे इनका चलेगा, मम्मा ये जरा इसको गंद मत डालने देने घर का काम। नीचे वाला पोर्शन तो इट्स क्वाइट रेडी, लाइक सफाई सुबह काम वाली कर गई थी, ये पोर्शन भी रेडी है और ये सामान मुझे ऊपर, ये सारी मेरी पीआरस है। घर पे जब गेस्ट वगैरह ने आना होना तो वैसे पता नहीं क्यों बंदा कंफ्यूज हो जाता है, पहले नहीं मैं कभी हुई थी आज हो रही हूँ। मम्मा ने कहा था कि हीरा के ना ड्रावर में जाओगी ना तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, ले हीरा का ड्रावर, इसमें स्केच और इसका मेकअप पड़ा हुआ यार। फाइनली मुझे बेडशीट्स वाला कॉर्नर मिल गया है और इसमें से मुझे कौन सी बिछानी चाहिए यार, मुझे ये कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, कौन सी बेडशीट बिछाऊं यार। सो फाइनली वी डिसाइड कि हम लोग कॉम्बो के साथ जाएंगे, ब्लू व्हाइट एंड ब्राउन, वाओ व्हाट अ कॉम्बो यार, चलो इसको बिछाते हैं। ये देखें जी मैंने इस कॉम्बो के साथ तैयार, मैं थके यहाँ बैठी हूँ, चल हट, मैं सब कह रहे शादी होने वाली है यार, मैं इतनी जल्दी तुम लोगों की जान नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम लोगों को पहले बता दूँ। मैंने जब लोगों की शादियों में जाती थी ना, मैं तो अपने ऐसे मामू कह रही मैं ना ऐसे मतलब उनसे वो होती थी जैसे होती थी जो उनकी बहनें होती थी, आपकी शादी थी मैं कहूँगी मेरी बहन की शादी है ना। तो अभी अब शादी अभी नहीं है, अभी क्या है अभी तो रिश्ता देखने आ रहे हैं आपकी का यार, रिश्ता देखा हुआ है बस रस्ता में हम लोग डेट फिक्स करनी है ना, एंगेजमेंट की, हाँ एंगेजमेंट की बात पक्की करने आ रहे, बात पक्की कर मेरा रिश्ता कब आएगा, लड़की पक्की करने आ रहे और मैं आपके रिश्ते वालों को अपने दूल्हे से मिलवाऊंगा, अपने वो मेरा टैडी यार, ये क्या पागल हो गई है दोनों, गाइस आप ही के रिश्ता देखने आ रहे हैं, आप ही ने कपड़े पहन के रिश्ता आना है, आप ही के बाल तो देखो जरा, और तैयार भी हो गई, शर्मा रही है कल मैं लाई बाल करके आ रही है, शर्मा रही है, और मेरी बात सुनो, आप जब चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, ये कमरा तुम्हारा होगा। अच्छा अभी तो बात होनी है, फिर एंगेजमेंट होनी है, फिर बहुत बार शादी होनी है, मजा आएगा, और मैंने शादी के कपड़े, मैंने आप ही की शादी में यूं कर, सो एक्साइटेड गाइस, और अब आज आप ही खाना बनाएगी अपने उनके, वाह आज आप, मुझे खाना खाना कोई नहीं बना रहा, आप ही वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जीजा जी कहते हैं ना, वो हमारे जीजा जी लगते हैं, हाँ जी वो हमारे जीजा जी हैं, अभी के चेहरे की खुशी मायने की गुड़ी शर्मा रही है, वो ये खड़ा है मेरी शर्माई जा रहा क्या, जब मेरी शादी होगी तब मेरे रिश्ता देखने में पटाखे पटाखे बजेंगे, तो मेरे पे तुम लोगों को मसला हो रहा है, पटाखे मैं खुद बजाना शुरू कर दूँ, मेरी शादी 30 दिन तक चलेगी है ना, पूरा एक हफ्ते एक महीना पूरा, अभी मेरी शादी नहीं, अभी सिर्फ बात फिक्स हो रही है, शादी करा दो तुम, स्टार्ट है, देखिये मेरे से ज्यादा खुशी मेरी बहनों को हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है लोग करना क्या चाह रही है दोनों, गाने देखो गाने तो मुनासिबत के लिहाज से लगाओ, आज भी बम लगाया हुआ, ओके गाइस सो फाइनली कैमरा जो है वो मेरे हाथ में आ चुका है, ठीक है, और अब मैं जो हूँ ना दुल्हन को हमने काम करना, हमारा लास्ट काम रह गया, सब सजावट वैसे कोई नहीं किया, मतलब सारे काम हो गए, हमारा ये काम रह गया कि हमने दुल्हन को सजाना है, वो कैसे सजाना है उसको पहले कपड़े देखेंगे, फिर उसके बाद वैसे आप भी दुल्हन बनी नहीं है, बनने वाली है, ठीक है, तो अभी आप भी ऐसी बैठी हुई है, तो आप ही दुल्हन से ज्यादा दुल्हन की माँ प्यारी लगनी चाहिए, है ना मम्मा, हाँ जी आप ही को हल्दी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा दिल घबरा ही जा रहा है पता नहीं, ओके तो और वैसे मैं तैयार नहीं हो रही, मैं बस यही हूँ, वैसे तैयार ही हूँ नॉर्मल, जो मैंने अपने कपड़े पहने मैं यही पहनी रखूंगी, आप ही के हम कपड़े निकालेंगे थोड़े तहजीब वाले ताकि वो पसंद करे उसको, इसको अच्छी लड़की से पता लगे लड़की रिजेक्ट हो गई, नहीं ऐसा नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं कोई कर सकता, किसी की इतनी हिम्मत है रिजेक्ट करे हमें, मैं आप ही को मशवरा दूंगी ब्लैक पहने, क्योंकि ब्लैक से ऑलमोस्ट हर कोई इम्प्रेस होता है, दूसरा कोई ईस्टर्न वेयर करे, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एनीबॉडी एक्चुअली, यू आर, यू हैव टू इम्प्रेस, आई नीड टू इम्प्रेस बिकॉज़ यू आर अ गर्ल डार्लिंग एंड इट्स योर डे, ये लो ये सूट यार, नहीं यार ये बहुत वो है यार, मेरी मम्मा सारे आप ही कोई ब्लैक पहनो यार, खुद अच्छा मम्मा कितनी चलाओ, खुद ब्लैक पहन रही है, ठीक है ब्लैक में अच्छी लगती है, मम्मा इट्स टू लॉन्ग, डोंट यू थिंक कितना फैंसी है यार, देखने बात ना 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 ना, ये आप ही आपका वलीमा नहीं है मम्मा, नहीं
शर्म आ रही है मुझे हंसी आ रही है। ये क्या वो कह रहा है, ये मेरे घर वाले नहीं है, मैं आप लोग तो देखो यार मैं ऊपर तैयार होने आई हूँ अपने लिए और मेरी बहन को लेडी डियाना बन के बैठी हुई है। आर यू सीरियस? प्यारी लग रही हूँ, क्यूट लग रही हूँ यार। हीरा मैं ये बाल ना लगा लूँ आज तो बुरे लगे नहीं, ये तो नहीं है लोग तो कुछ और होंगी उन्होंने बाल कटा लेने। हाँ वैसे मैंने कटवाया ना, इतने बुरे नहीं। मैं आई हूँ तैयार होने के लिए। कितने दिखाओ, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेड में, डिफरेंट स्टाइल। हाँ तो हीरा हम लोग अभी जिंदगी में कैरेक्टर्स लेने हुए ना, तो इट विल बी कैरेक्टर्स के लिए ना, रियल लाइफ के लिए तो नहीं है ना। हाँ लेकिन आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वन, मैं तैयार होकर आती हूँ फिर मैं जरूर ट्राई करूंगी। फिर मैं जरूर ट्राई करूंगी। ओके तो फाइनली मैं आपके लिए ड्रेस पसंद कर ली, क्योंकि अभी आप लोगों से दिखेगा नहीं। आप जब आप पहनेगी ठीक है, तब आप लोग देखना ब्लैक है, आपको नहीं पता ब्लैक कलर में ना लड़के बड़ा इंप्रेस होते हैं। Oh my God. जिस लड़के से पूछो ना उसका फेवरेट कलर ब्लैक होता है, मेरी नेल पेंट भी ब्लैक है। अच्छा लग रहा है, हाँ देखो सूदिंग स्मार्ट। हाँ अच्छा हुआ फातमा, क्या जब फातमा का रिश्ता आएगा तब क्या होगा? इसको देखें जरा, इसको देखें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है यार। ऐसा लग रहा फातिमा को देखने आ रहे हैं। क्या हुआ शर्मा, आप ही की फुल दो कापा का दिखाती हूँ। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वफा। कमेंट बॉक्स में कि मैं कैसे लग रही, मेरे गले में ना सांस फंस रहा है क्योंकि ऑब्वियसली नर्वसनेस है थोड़ी सी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नहीं लेकर आ रही राजा। और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने इसने तो पूरा हरे दुपट्टे वाली है, ये पिंक दुपट्टे वाली है और ये बैठी है। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर गेस्ट लास्टली। और ये तो इसको तो देखो, अच्छा सब देसी दुपट्टे लेके, ये हमारी एक कहते हैं ना एक बहन मॉडर्न होती बीच में। मुझे किसी ने बताया था सब ऐसे कॉम्बिनेशंस करते, बट यू आर लुकिंग नाइस। चले जी अब मैं आ गई हूँ नीचे और मेरे अम्मा पापा की तो तैयारी चेक करें, मम्मी को देखें और पापा को देखें। आप तो नींद में लग रहे हैं। पापा कह रहे मैं नींद में नहीं हूँ, मैं वैसे ही मैं खबरें सुन रहा था। ये अम्मा बाबा भी तैयार होंगे। राबे अपने दूल्हे के पास बैठी है, राबे का दूल्हा देख रहा है। बस कर दो, बस कर दो, इसको देख के लोग आवाज आ रहे थे कभी बड़ा होता है कभी छोटा। कहना मैं टेडी के साथ रहती हूँ इसलिए आई हैव टू गेट रेडी फॉर हिम। खैर मैं थोड़ी देर में ऊपर भाग जाऊंगी, नीचे तो नहीं ऐसे स्वागत करना है क्या मुझे? आपकी दिल की रहती होगी अभी भी हो रही है। ये वो बहन है जो ना ब्राइड मेड बनती है ना कुछ बनती है, ये सिर्फ सेल्फी क्वीन बनती है, बदतमीज है, इससे मैं बिल्कुल बात नहीं करती। सबसे प्यारी सबसे गंदी राबे। अच्छा मुझे रिव्यू दे कि आपकी बेटी की शादी कैसी फील? ये कैसा मजा है? अभी सब टाइम पे तो मजा आता है, रुकती पे जरा फीलिंग चेंज। मैं अपने कमरे में बैठी हूँ इस वक्त और इतना पता नहीं क्या हो ही जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे हैं, दिल मेरा तेज, हाथों में पसीना आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है, अजीब सी एंग्जाइटी हो रही है। खैर तो ये हो रहा है बाद में, मतलब शादी कितना मुश्किल प्रोसेस होता होगा तो इस चीज़ से समझ नहीं आ रही। आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर कॉमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि अपने रिश्तेदार उनको देख लिए वो। ओके तो हमारे सारे गेस्ट वगैरह आ चुके हैं, चुपके दुल्हन देख रही है बारात आ गई, चुप चुप के लोग को भी आ गई है देखा सब है। मेरी बहनों ने ना मुझे यहाँ सीढ़ियों में बैठा दिया यार, समझ नहीं आ रहा। ओह माय गॉड।
ओके सो सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं, रियल टॉक सबको पैसा। आप लोग सोच रहे कि मैं गाना अपनी घर के बाद एक मिनट देरी खड़ी रहती हूँ, अच्छी आती हूँ ना। अच्छा तो मैंने ये कहना था कि मैं आप लोग को अपडेट दे दूँ कि क्या सूरत हाल है रिश्ते वालों की। अच्छा तो हम लोग का ये है कि सारे अंदर है, बातें शातें हो रही है और मैं इतनी शाय फील कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ना न्यू लोग हैं ना तो मैं बड़ा कन्फ्यूज फील हो रही हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं, ऐसे ऐसे दोस्ती हो ही जाएगी। और वो बाहर जो है ना वो बारबेक्यू का सीन हो रहा है, ठीक है, और पापा भी यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? रिश्तेदार नहीं दिखाएंगे, रिश्तेदार वो हमारे हो गए ना, ऐसे रिश्तेदार शादी के बाद हो गए, अभी नहीं है लेकिन अभी भी है। हाँ तो ये है कि बस मुझे समझ नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी सी। ओके तो ये फ्लावर्स वगैरह आए हैं यू नो सिर्फ आप ही के लिए, तो मैं ये चाहती थी कि मेरे लिए भी आए वैसे कभी। ओके मम्मा तो यार ब्राइड की मॉम है आखिर, मम्मा मेरे लिए भी ऐसे फूल आए। नहीं वो तो ब्राइड की मॉम है तो मुझे कौन सी सजा मिलेगी, ये है ब्राइड की सिस्टर, ब्राइड मेड। नहीं मैं खान सा मॉम हूं। हां और ये देखें ये बिरयानी बनाई है मेरी मम्मा ने, आई लाइक द व्यू आज मुझे अच्छा लगा। आखिरी दिन होगा दुनिया का, मैंने आपको ऐसे देखा होगा यकीन करें। एंड नाउ शी इज लाइक मैं भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, पानी के लिए नहीं उठती। जिंदगी में ना हर चीज एक जैसी नहीं होती, कभी कभी बदल जाती है तो कभी कभी करना पड़ता है। तो गुस्से में क्यों कर रही हूँ? गुस्से में नहीं कर रही, मेरा हाथ वो वजनी हो रही ट्रैक। ये मेरा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस। ये देखे मेरी बहने भी फाइनली काम पे आ चुकी है और ये देखे ना यहाँ बैठ के चाय पीते हुए। नहीं मेरी बहने भी फाइनली काम पे आ चुकी, काम वाली है मेरी काम वाले साथ। असली काम वाली है। हाँ दिखाओ, जल गया तुम्हारी चाय बनाते बनाते। मेरी चाय बनाई है तुम्हारे ससुराल वालों के लिए, चाय बनाई है और मेरा हाथ जल गया। कोई बात नहीं, अल्लाह अजर देगा। ओके तो फाइनली अब रिश्ते वाले चले गए और क्या सूट है, फाइनली आप ही के लॉस चले गए, मेरी सारी सुर्खी भी उतर गई है, ये लॉस चले गए। और ये जो फूल थे ना, मैं सोची थी कि नाले कहते मेरे लिए गाड़ी शर्ट ले आते। और पापा भी इधर थक के बैठ गए, काम किया आपने? थक भी गया हूं, मुझे नींद आई है। मेरी नजर इसमें है ना, लड़की के लिए आता है। एक मिनट गाइस वेट, पापा ने अपना साइन करना है जी। ये आज पापा सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे मेरा, मतलब वैसे कह रही हूँ। ओह गॉड दिस इज सो मच फन, ऐसा लग रहा है हमने एक्चुअली मतलब ऐसा भूल गए थे बीच में कि हम वीडियो चला रहे हैं, सामने हम वो मस्ती देख रहे हैं, वी आर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। यार ये बॉन्ड कितना मस्त है यार, ये कितना फन होगा ना ऑल टाइम, लाइक पूरा टाइम ऊपर नीचे सब इधर उधर अपनी ले रहे, अपने मजे कर रहे। वो शादी के दिनों की याद दिला रहा है ये पूरा थिंग, यू नो डांस प्रैक्टिस, जबकि ये तो अभी तक सिर्फ बात पक्की तक चालू भी नहीं हुआ अब तक, तो आगे बात मतलब वो शादी के तैयारी ये वो समझ पाते हैं। मेकअप लुक आई थिंक सब कुछ इतना ऑन पापा का स्टाइल मस्त है, बहुत क्यूट है उनके पापा क्यूट है, उनकी बहने जैसे छेड़ रही है राबिया एंड ऑल, दे आर सो क्यूट, मतलब इतने क्यूट, उनके बोलने का स्टाइल मस्ती कितना नेचुरल है, सब कुछ कितना ज्यादा नेचुरल, ऐसा लग रहा है सामने ये सब चल रहा है यू नो, ऑल द मस्ती छोटी मोटी चीज, उनके मॉम डैड भी कितने क्यूट है। आई थिंक इट वाज वेरी गुड वीडियो, मतलब रचा होनी चाहिए बिकॉज एक परफेक्ट वीडियो था ये, एंड इन लोगों का मेकअप सो गुड, सो गुड, मजा आया यार ये देख के। अभी पता है आगे अभी क्या मस्त वाले ब्लॉग्स निकाले यार, शादी की तैयारियां, शॉपिंग, ये वो, ये एक तो सब बहने एक से एक है, लेकिन उनकी मस्ती, उनकी बातें, उनका बॉन्ड बहुत, आई थिंक यू कैन फील इट, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।